वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। जो लोग भी क्लास में बताएं, मेरी आवाज़ क्लियरली आप तक सुनाई दे रही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी से बताइए। तो आज कंप्यूटर पढ़ेंगे और एकदम पूरा, जैसा मैंने आपको बोला था कि प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चलेंगे हम क्लास को। स्मृति जी गुड इवनिंग, सुशील जी गुड इवनिंग, मिस्टर झा जी गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। सभी लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, इस क्लास के बारे में बताइएगा। यहाँ पे आपको जो क्लास मैं कंप्यूटर को पढ़ाऊंगा वो एज अ पूरा पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा, ताकि आपके सामने ही मैं विजुलाइज कराकर चीज़ों को पढ़ा सकूँ। साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चनों को डिस्कस करूँगा, TCS के द्वारा पूछे गए रिसेंट क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा। तो सभी का स्वागत, अभिनंदन है। सभी लोग बताएं कैसे हो, कम आ रही है? अभी बोलेंगे, टेंशन ना लो, आएगी आएगी आवाज। आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए, गुड इवनिंग सचिन, आस्था जी, हेलो गुलशन जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या, एमएस ऑफिस का वर्ड। आज क्लास हमारी वर्ड पर डिस्कस करेंगे। अगर मैं कहूं कि आपको अगर वर्ड खोलना होगा तो सबसे पहले आप कैसे वर्ड को खोलोगे, स्टेप वाइज ये भी पूछता है आपसे। अब एक चीज और कि हम कौन सा वर्ड पढ़ेंगे, वर्जन से कोई मतलब नहीं है। मैं बार बार बोला, एमएस वर्जन से कोई मतलब नहीं होता है। फीचर जो है साथ के बाद आपके सेम ही सब में होता है। विंडोज 10, एमएस ऑफिस 10 रिटायर हो चुका है, जिसकी जगह 365 ने ले लिया है। अभी रिसेंट के एग्जाम, एक यूपी में पीसीएल पावर कॉर्पोरेशन का एग्जाम हुआ, जो TCS ही कंडक्ट कराती है, और उसमें उसने 365 से क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन कुछ खास नहीं था, वही बेसिक चीजें था, बस एमएस ऑफिस 365 लिखा हुआ था। तो उससे घबराना नहीं है, वर्जन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है किसी भी चीज पर। अंकित टैंक जी नमस्कार, इरफान जी वेरी वेरी गुड इवनिंग, शिपान कुमार जी गुड इवनिंग, TCS ने ही कराया था सर जी, एकदम कराया था, TCS ने ही कराया था। हाँ सुशील जी, मैं दिखाऊंगा, वो भी क्वेश्चन दिखाऊंगा कि 365 के कैसे क्वेश्चन थे, क्यों आप लोग गलत करके आए। ऐसा नहीं कि मैंने आप लोगों को बताया था, और कुछ बच्चों ने बहुत ध्यान से क्लास के स्क्रीनशॉट और जो मैं बोलता था बार बार कि आप जो भी मेन्यू है आपके उसको अच्छे से देखा करो। ठीक, अब अगर हमें स्टार्ट करना है वर्ड, तो सबसे पहले आपका स्टेप ही पूछा था, कुछ में स्टेप पूछा था, कुछ में प्रैक्टिकल चीजें पूछे, जैसे एक्सेल में पूछा था एडिट और मोड जो आता है, सब सेल को हम एडिट करते हैं, वो कहां शो करता, तो वो स्टेटस बार वो मैं बताया भी था। अगर आपको वर्ड करना है तो आप यहां पे जाओगे, स्टार्ट बटन दिख रही है आपको, जल्दी से बताओ पहले स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं आपको, आपको स्क्रीन दिख रहा है, आप स्क्रीन पर जाओगे, यहां पर नीचे स्टार्ट बटन होता है, इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे। ठीक है, देखो इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, आपको ये आ गया। अब आते ही आपको इसमें क्या करना है कि प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम अगर आप जाओगे टाइप करोगे तो यहां पे आपको देखो, हाँ रुको, यहां से देखिए, यहां आपको आ रहा है कि यहां पे आपको क्या क्या दिख रहा है। देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टोर दिख रहा है, वन नोट दिख रहा है, वन ड्राइव दिख रहा है, आउटलुक दिख रहा है, ये सब आपको दिख रहा है। तो यहां से आप कर सकते हो, कर सकते हो। और एक आपका डायरेक्ट मेथड ये होता है, एक डायरेक्ट मेथड ये होता है कि आप क्या करो, आपका एक विंडोज बटन होता है, विंडोज बटन और आर दबाओ, विंडोज बटन और आर दबाने पर आपको एक कमांड खुल के बॉक्स आएगा, जो बॉक्स आपको यहां पर लिखना क्या रहेगा, यहां पे आपको लिखना होगा विनवर्ड। ठीक है, अभी वहां पे जो लिखा है आपका उसको डिलीट करते हैं और हम लिखते हैं विनवर्ड। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछता है, तो डायरेक्ट आपसे विंडो वर्ड आपका खुल के सामने आ जाएगा। देखो
वर्ड आपके खुलकर सामने आ गया। अब आपको यहां पर जो दिख रहा है वो बैकग्राउंड व्यू दिख रहा है, यहां से ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप लोगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद कुछ ऐसा व्यू दिखेगा आपका, ये शायद 2013 वाला वर्जन है, ठीक है। हाँ, रन डायलॉग्स बॉक्स में विन वर्ड लिखा और ये आपका खुल गया। और खुलते ही सबसे पहले अगर आपसे प्रश्न पूछेगा, अगर सबसे पहले ही आपके खुलते ही यहां पर क्या पूछेगा कि होम, होम टैब आपका क्या होता है, होम टैब जो होता है, होम टैब बाय डिफॉल्ट आता है, होम टैब बाय डिफॉल्ट आपका खुल के आता है, बाय डिफॉल्ट आपका होम टैब आता है, ठीक। होम टैब आपका बाय डिफॉल्ट आ गया, उसके बाद से यहां पे फाइल होता है और ये जो ऊपर आप दिख रहे हो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहां पर देख रहे हो कि सेव का ऑप्शन है, ये सेव का ऑप्शन है, ये अंडू है, ये रीडू है, और यहां पे अंडरलाइन है, ठीक है। और यहां पे एक ऐसे देखो एरो बना हुआ है, क्या बना हुआ है, एरो बना हुआ है। एरो पे जब क्लिक करोगे आपको तो कुछ ऐसा आपको डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है, ठीक। जब इस एरो पे क्लिक करोगे ये बॉक्स आपके खुल के आ गया। तो लिखा है कस्टमाइज क्विक एसेस टूल बार, ठीक, क्या लिखा है, क्विक एसेस टूल बार। तो देखो यहां पे टिक लगा हुआ है, अंडो रीडो ये सब आपके यहां पे लगे हुए हैं, बाकी सेव भी लगा हुआ है, और भी जो भी चीजें आपको बहुत जरूरी है, तो आप क्विक एसेस टूल बार में क्या कर सकते हो, यहां से इंसर्ट कर सकते हो, जैसे प्रिंट प्रीव्यू हो गया, क्विक एसेस हो गया, ये सब चीजें आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो यहां पे, जैसे एडिटर हो गया, ओपन डाल दो यहीं पे, देखो ओपन का आ गया बॉक्स। उसके बाद से आप ड्रॉ टेबल करना चाहते हो तो ड्रॉ टेबल का भी यहीं से आप कर सकते हो, डायरेक्ट आप ड्रॉ टेबल कर सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ टेबल का भी यहां पे लग गया है, तो यहां से ड्रॉ टेबल कर सकते हो। उसके बाद से यहां पर देखो ये चीजें हो गया, हाँ, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट का भी ऑप्शन यहां पे दे सकते हो, प्रिंट प्रीव्यू भी आप देख सकते हो, देखो यहां से प्रिंट प्रीव्यू भी आ सकता है आपका। तो ये सब चीजें हैं, तो होम वाले में आपको पूरा का पूरा ये आपको दिखेगा। सबसे पहले आपको यह क्वेश्चन बनाया जाएगा कि जो यहां पे ये दिख रहा है, कर्सर मेरा दिख रहा है आपको, एक बार बताओ ये कर्सर दिख रहा है आपको जहां मैं क्लिक किया हूं, ये जो बार है क्विक एसेस टूल बार होता है, ये क्या होता है, क्विक एसेस होता है। यहां पे ये जो जितनी भी चीजें मैंने अभी इंसर्ट किया वे क्विक एसेस है, यहां ध्यान रख लो, लिखते जाना, इसी को बोलते हैं क्विक एसेस, इसको बोलते हैं क्विक एसेस। अब यहां पे देखो क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बाय डिफॉल्ट वर्ड में जो फाइल आपकी ओपन होती है उसका नेम क्या होता है, किस नेम से, अगर मैं अगर इसको सेव करना चाहूं, सपोज करो मैं अगर इस फाइल को सेव करना चाहता हूं, देखो अगर इस फाइल को मैं सेव करना चाहूंगा, फाइल में गया, ठीक है, सेव किया, यहां पर सेव आ रहा है, सेव एज आ रहा है, तो अगर मैं सेव करूंगा तो पहली दफा फाइल सेव कर रहा हूं तो यहां पूछेगा कहां सेव करना है। सपोज करो मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूं, डेस्कटॉप पे सेव करते ही यहां पे देखो क्या नाम आ रहा है, हाँ, यहां पे डीओसी की फाइल आ रही है ना, बाय डिफॉल्ट ये डीओसी के नाम से सेव होगी, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सेव किसके नाम से होगी, डीओसी वन के नाम से सेव होगी, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए यहां पर कि इसकी फाइल जो होती है वो किस नाम से ओपन होती है, उसका नाम क्या होता है, तो आप कहोगे डॉक्यूमेंट वन, क्या कहोगे, डॉक्यूमेंट वन,
आप क्या कहोगे, डॉक्यूमेंट वन के नाम से होती है। एक बार ये बता दो, आपको विजुअल पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है? ठीक है, ये क्या हो गया आपका, डॉक्यूमेंट वन के नाम से आपकी फाइल बनती है यहां पर। डॉक्यूमेंट वन के नाम से बनती है, तो ये बाय डिफॉल्ट फाइल का नेम होता है। और सेव जब करोगे तो सेव वाले ऑप्शन में वो डीओसी वन के नाम से आती है, ये ध्यान रखो। अब यहां पे होम बटन हो गया, होम बटन ये आपको पता चल गया ये क्या है, फाइल नेम बार है। ठीक है, ये हो जाएगा। चलो ठीक है, उसके बाद से आपका यहां पे जब जाओगे तो ये आपका क्या कहलाएंगे, मीनू कहलाएंगे। क्या कहलाते हैं, मीनू बार कहलाता है। ये देख रहे हो, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके क्या है, ये मेनू है, मेनू बार, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मेनू बार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपका जो ये आप देख रहे हो होम बटन, आपका पूरा ये है और ये पूरा का पूरा ऐसे खुला हुआ है। ठीक है, ये पूरा, तो ये आपकी क्या हो गई, रिबन हो गई, ये क्या हो गया आपका, रिबन हो गया पूरा। ठीक है, हाँ, ये जो होता है आपका वो क्या होता है, पूरा का पूरा, इसको क्या बोला जाता है, रिबन बोला जाता है। लिखा है ना, देखो होम पे जब राइट क्लिक करोगे आप तो बोलता है कस्टमाइज द रिबन, कोलेप्स द रिबन, कोलेप्स द रिबन करोगे तो देखो बंद हो गया, ये बंद हो गया ना रिबन, तो फिर से उस पर जब आप क्लिक करोगे तो कस्टमाइज द रिबन, कस्टमाइज रिबन में कस्टमाइज करने का मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो डाल सकते हो इसमें, वो आप पूरा इसमें डाल सकते हो। ठीक है, वो सब चीजें यहां से कस्टमाइज में आप डाल सकते हो। ठीक, अब यहां से हटा देते हैं, तो ये रिबन है, और रिबन के अंदर अगर हम बात करें तो ये सब क्या है आपका, ये जो चीजें हैं, दिख रहा है कि नहीं, फिगर दिख रहा है आपको, जल्दी से बताओ, फिगर दिख रहा है आपको, फिगर क्लियर हो रहा है? हाँ, अब देखो इसमें क्या है कि ये होम है, ये पूरा का पूरा आपका रिबन है, मैंने बता दिया आपको, ये पूरा क्या है, रिबन है आपके। अब रिबन में जैसे यहां पे सबसे पहला जो पार्ट है आपका, वो आपका क्या है, इसको कहेंगे कमांड, इसको क्या कहेंगे, रिमंड में क्या कहेंगे, कमांड ग्रुप। ये जो पार्ट है एक पार्ट, इसको कहते हैं कमांड ग्रुप। क्या बोलते हैं बच्चों, कमांड ग्रुप। और कमांड ग्रुप में आपके अलग अलग कमांड होते हैं, जैसे पेस्ट कमांड। क्वेश्चन किसी में पूछा था कि इसमें से कौन सा क्लिपबोर्ड का, क्लिपबोर्ड वाले में नहीं होता है, प्रैक्टिकल पूछा था। तो आप जब क्लिपबोर्ड देखे होगे, क्लिपबोर्ड, ठीक है, आप क्लिपबोर्ड देखे होगे तभी तो आप जान पाओगे कि क्लिपबोर्ड में क्या होता है। तो देखो क्लिपबोर्ड में क्या होता है, ये पेस्ट का ऑप्शन होता है, ये आपका कट का ऑप्शन होता है, और ये आपका क्या होता है, इस, ये किसका ऑप्शन होता है, यहां बताओ, ये वाला ऑप्शन किस चीज का होता है, ये फॉर्मेटेड का होता है, फॉर्मेट प्रिंटर का होता है, फॉर्मेट प्रिंटर। तो ये सब ऑप्शन होते हैं, ये पेस्ट का हो गया, ये कट का हो गया, और ये कॉपी का ऑप्शन है। ये चीज क्या होती है, ये ऑप्शन कॉपी का है, ये ऑप्शन पेस्ट का है, ये कट का है, ये कैंची जो रहती है वो कट का ऑप्शन होता है। अब जब एरो आप यहां पर क्लिक करोगे, देखो ये ऐसे बना हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो यहां पे आपका क्लिपबोर्ड का वो आ जाता है कि क्या क्या आपने कॉपी किया है, क्या क्या आपने पेस्ट किया है, उससे रिलेटेड चीजें यहां आपको देखने को मिलती है। तो एक प्रैक्टिकल यूपीपीसीएल में यहीं से क्वेश्चन पूछा था कि क्लिपबोर्ड में कौन सा शामिल नहीं होता है, तो क्लिपबोर्ड में जान लो बस यही चीज होती है। फॉर्मेट प्रिंटर का काम क्या है बच्चों, फॉर्मेट प्रिंटर में मान लो अगर मैंने कोई शब्द लिखा, ठीक है, दिख रहा होगा कि अभी मैं दिखा रहा हूं आपको, ये जो मैंने आपको शब्द सामने लिखा है, कुछ भी लिख दिया हूं यहां पे, देखो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं, ठीक है। अब यहां पे जब मैंने इसको लिखा, हाँ, अब इसमें सपोज करो कि मैं थोड़ा सा इस यहां स्पेस
यहां स्पेस दे देता हूं। अगर मैं यहां पे देखो इसको चूज करता हूं, ये कर्सर जो दिख रहा होगा आपको, इसको मैं चूज करता हूं और इसे एक फॉर्मेट दे देता हूं, इसको बोल्ड कर देता हूं, बोल्ड। तो देख रहे हो इसकी फॉर्मेटिंग हो गई ना बोल्ड। और इसी पर मैं यहां पे क्या कर लूं, ये फॉर्मेट प्रिंटर आपको चूज कर लूं, ठीक है। तो अब मुझे जिसको भी बोल्ड करना हो चाहे इटैलिक करना हो, सपोज करो मुझे ये पहले वाला बोल्ड करना है, तो मैं इस पर क्या करूंगा, सॉरी इसको बोल्ड किया हूं, ये फॉर्मेट प्रिंटर पे कर लिया। उसके बाद से अगर मुझे यही बोल्ड करना है ये वाला पोर्शन, तो यहां पे मैं डबल क्लिक करूंगा, क्या हो रहा है, ठीक। अब यहां पे मैं इसको चूज करके क्या करूं, आपका डबल क्लिक करूं, देखो कर दिया। तो अभी ये भी देखो मैंने इसको बोल्ड नहीं किया, लेकिन मैंने इसका फॉर्मेट ले लिया। इसका फॉर्मेट मतलब अगर मैं इसको इटैलिक भी कर दूं, सपोज करो इसको मैंने अगर इटैलिक कर दिया, तो अब बोल्ड और इटैलिक दोनों हो गया ये। तो अगर मुझे ऐसे इसको करना होगा तो क्या करेंगे, पहले फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे, यहां इसको चूज करेंगे, अपने आप देखो ये उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। जो भी डिजाइन हम किसी टेक्स्ट में करते हैं और चाहते हो और भी आगे हम डिजाइन करते रहें, तो वैसे ही आपका फॉर्मेट ये आपका बनता चला जाएगा। देखो ये भी इटैलिक हो गया और ये बोल्ड हो गया। तो ये होता है फॉर्मेट प्रिंटर का काम। समझ में आ रहा है, जल्दी से बताओ समझ में आ रहा है। बेनिफिट बता दिया मिस्टर झा, आपको फॉर्मेट प्रिंटर समझ में आ गया? ये क्या आ गया, चलो समझ में आ गया। अवधेश जी समझ में आ रहा है सभी को? चलो अब एक भी ऐसा हमने पूरा अप्रोच आपको बताएंगे। तो ये हो गया, तो एक कमांड ग्रुप आपको समझ में आ गया, क्लिपबोर्ड। दूसरा आपका जो कमांड ग्रुप है वो फॉन्ट का होता है। किसका होता है बच्चों? फॉन्ट कमांड ग्रुप, फॉन्ट कमांड ग्रुप। अब इसमें देखो फॉन्ट क्राम कमांड ग्रुप में आपको अगर मैं बताऊं तो फॉन्ट कमांड ग्रुप में क्या क्या होता है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूं, ठीक है। ये होता है आपका फॉन्ट कमांड ग्रुप, कर्सर दिख रहा है, ये फॉन्ट कमांड ग्रुप है। अब इसमें अगर हमें कुछ भी करना हो तो सबसे पहला प्रश्न पूछता है आपसे कि बाय डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है। तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट आपको क्या दिख रहा है, यहां पर देखो कैलिबरी बॉडी दिख रहा है। तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट अगर आप करोगे यहां पर तो क्या दिखेगा, कैलिबरी दिखेगा, क्या दिखेगा, CALIBRI, ये आपका दिखता है। वो भी कौन सा, बॉडी, कैलिबरी बॉडी फॉन्ट बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होता है, ठीक है। अगर इसका बोले कि बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है, तो उसके लिए क्या करो, जैसे अभी कंट्रोल एन दबाओ, कंट्रोल एन से नया आपका वर्ड आ जाएगा, कंट्रोल एन से देखो, कंट्रोल एन मैंने दबाया, एक आ गया ये। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपको देखना है तो देखो कैलिबरी बाय डिफॉल्ट नया पेज मैंने खोला, वहां पे तो मैंने आपको क्या किया था, वर्ड टेक्स्ट को उसका मैंने फॉन्ट साइज बढ़ा दिया था, लेकिन यहां पे देखो कैलिबरी है आपका और यहां फॉन्ट की साइज 11 दे रहा है, ठीक है। तो फॉन्ट साइज पे जब आप करते हो तो वहां पे आपको दिखाता है कि उसका शॉर्टकट की क्या हो सकता है, ठीक। तो अभी हम लोग पहले इस पे आते हैं फिर बताते हैं आपको, ठीक। यहां फॉन्ट साइज आपका क्या होगा, 11 होगा, 11 आपका साइज होगा, फॉन्ट साइज होगा, ठीक है, 11 फॉन्ट साइज हो गया। ये चीजें हो गई। अब अगर आपसे पूछे ये किसके लिए यूज होता है, तो यहां पे जब आओगे तो यहां से फॉन्ट आपका कैसे बढ़ता है, ठीक है। पहले इस पे आ जाओ, अभी उस पे नहीं, पहले इस पे आते हैं। इस पे आएंगे तो सबसे पहले आपका अगर बोले कि मिनिमम फॉन्ट साइज क्या होता है, ड्रॉप डाउन में मिनिमम फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज जो होगा वो ड्रॉप डाउन में
ड्रॉप डाउन में कितना होता है? तो ड्रॉप डाउन में मिनिमम फॉन्ट साइज आपका यहां पर 8 देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब ये जो 2013 वर्जन है, क्या ये 2010 में भी ऐसे ही है? सबसे बड़ी बात तो ये आती है ना, अब क्या 2010 में भी ऐसा ही है? 2010 आप लोगों के पास कौन सा वर्जन है? हाँ, सब में वही होता है। अगर कहे 365 में भी ऐसा है, 2010 ही 365 हो गया है, रिटायर्ड हो गया 2010, तो वहां भी यही होता है ड्रॉप डाउन में। और मैक्सिमम देखो कितना होता है, 72 होता है ड्रॉप डाउन में, मिनिमम ये हो गया, और मैक्सिमम फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन में 72 होता है। अच्छा, मैं कहूं क्या मैं इसको फॉन्ट साइज एक पर नहीं सेट कर सकता हूं? अगर मैं इसकी फॉन्ट साइज एक करना चाहूं तो क्या ये एक नहीं हो सकता है? तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इसकी फॉन्ट साइज को एक दबा देता हूं, इसकी फॉन्ट साइज मैं एक ले लेता हूं। देखो अभी क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हाँ पड़ेगा, ये एक साइज हो गया। यहां पर देखो बहुत छोटा सा दिख रहा है, एकदम फिद्दी सा, ये सब कुछ लेगा। यहां पर आप जो दिखेगा नहीं, लेकिन आपका दो चार चार भी ले लेगा, ठीक है। चार, अगर इसको मैं अगर यहां पे देखो इसको सेलेक्ट कर रहा हूं, यहां पे वो टेक्स्ट है ना, अगर मैं इसको पांच करता हूं तो देखो पांच दिखेगा नहीं आप लोगों को, लेकिन आप करके देख सकते हो। देखो ये फॉन्ट आ गया, इतना बड़ा यहां पे आ गया, इसको मैं बोल्ड कर देता हूं, देखो ठीक, तो वो आ गया यहां पर, तो वो कहीं ना कहीं आपका लेगा। तो मिनिमम, वैसे आपका मिनिमम फॉन्ट साइज, मिनिमम फॉन्ट साइज जो होगा वैसे ड्रॉप डाउन में नहीं, वन होगा। और मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होगा ये कैसे आप पता करोगे? एकदम आसान तरीका है, मैक्सिमम फॉन्ट साइज अगर आपको पता करना है तो आप यहां पे वैल्यू पुट करो ना। वैल्यू क्या है, अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट करूं 1175, क्या लेगा? 1175 ले रहा है, नहीं ले रहा है, है? हाँ देखो यहां एक डायलॉग बॉक्स बन के आ गया, जब बहुत ज्यादा रेंज यहां डाल दोगे तो बोलता है द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 to 1638, 1 to 1638, सब कुछ आपके इसमें है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो यहां पर एक चीज ये नोट कर लो, डायलॉग बॉक्स यहां पे खुल के आया ना, और यहां साफ साफ दिख रहा है कि 1 से लेकर 1638 तक ही आपका होता है। ठीक, समझ में आ रहा है? तो पूरी थ्योरी भी मैं आपको बता रहा हूं। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए कि कैलिबरी 11 नंबर फॉन्ट साइज, ड्रॉप डाउन 8, 72, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है, ये मिनिमम का फॉन्ट, मैक्सिमम का फॉन्ट, समझ में आ गया सिपन कुमार? चलो, सभी को समझ में आ रहा है, किसी प्रकार की कोई परेशानी, थोड़ा समय जाएगा लेकिन चीजें आपको अच्छी समझ में आएंगी। अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां देखो ये जो आपका है, ये आपका क्या करेगा, फॉन्ट को साइज को इंक्रीज करता है। अच्छा चलो, यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पर हां यहां पे अगर बात करते हैं कोई भी चीज, ये मान लो अगर फॉन्ट साइज इसकी 14 है, ठीक है, अगर इसको मैं सेलेक्ट करता हूं, स्लो देखो यहां पर, इसको मैं सेलेक्ट करता हूं, इसको सेलेक्ट करता हूं और इस पर क्लिक करता हूं, तो ये कैपिटल ए बताता है, और उस पर जैसे ही क्लिक करते हो तो लिख रहा है इंक्रीज फॉन्ट साइज, किससे होगा, शॉर्टकट की याद कर लो, कंट्रोल, ये कई बार पूछा भी है एग्जाम में, कंट्रोल शिफ्ट और ये वाला एरो, मेक योर टेक्स्ट अ बिट बिगर, ए बिट जो है, एक बिट जो है आपका बिगर होगा। जैसे अगर ये 14 नंबर पे है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखो क्या हो जाएगा, 16 पे पहुंच जाएगा, फिर इस पर क्लिक करूंगा 18 पे, फिर 20 पे, मतलब जो आपके ड्रॉप डाउन में होगा, मेरी बात समझ रहे हो, जो आपके ड्रॉप, देखो 18 के बाद 20 है, 20 के बाद 22 है, 22 के बाद 24 है, 24 के बाद 26 है, 26 के बाद 28 है, तो वैसे ही साइज आपकी इसकी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, जब इस पर क्लिक करते हो। तो
ओवरऑल ये किस पे करता है, 8 के बाद देखो यहां से 8 9 10 है, लेकिन 11 12 12 के बाद 14 14 के बाद 16, तो ये ड्रॉप डाउन में जैसा होता है वैसे ही आपका ये बढ़ाएगा, कंट्रोल शिफ्ट से बढ़ता है आपका फॉन्ट साइज, ठीक है, एरो के साथ कंट्रोल शिफ्ट ये वाला एरो। अब इसमें देखो ये जो छोटा ए है बोला कंट्रोल शिफ्ट, इसमें घटेगा, इसमें आपका डिक्रीज होगा फॉन्ट साइज, इसमें क्या होगा डिक्रीज होगा फॉन्ट साइज, तो इससे घटेगा और इससे बढ़ेगा। बगल में यहां पर एक देख रहे हो ऐसे आपका बना हुआ है ए ए बड़ा और स्मॉल ए, ये आपका क्या है जब इस पर क्लिक करोगे आप तो यहां दे रहा है सेंटेंस केस लोअर केस, मतलब किसी को लोअर केस में बदलना हो, ठीक है, सपोज करो अगर ये पूरा है इसको अपर केस में हमें बदलना है तो यहां पे गए इस पे क्लिक किए कैपिटलाइज्ड या टॉगल या अपर केस, तो पूरा अपर केस कर दो तो अपर केस हो जाएगा। अगर इसको पूरा का पूरा क्या कर दोगे आप, हाँ अगर इसको यहां से करने के बाद कैपिटलाइज इच वर्ड कर दोगे तो पहला कैपिटल होगा बाकी स्मॉल हो जाएगा, ऐसे ही अगर स्पेस के बाद होता तो यह भी कैपिटल हो जाता। अगर मैं पूरा इसको ले लूं, देखो पूरा इसको ले लूं और फिर कैपिटलाइज इच वर्ड करूं तो देखना एच भी कैपिटल हो गया, एच कैपिटल हो गया, एस कैपिटल हो गया। अगर मुझे इसको सभी को लोअर केस में बदलना है तो यहां पे मैं जाऊंगा लोअर केस कर दूंगा, सब लोअर केस हो जाएंगे। उसके बाद से अगर हमें टोगल कैश में बदलना है तो टोगल कैश आपका ये हो जाएगा उसका जस्ट उल्टा, जिसका जो था उसका जस्ट उल्टा हो जाता है टोगल कैश, ठीक है। ये रहा सेंटेंस केस, सेंटेंस कैसे होते हैं तो सेंटेंस केस में ऐसे बन जाएगा आपका, तो यहां पे आपको केस चेंज होता है। और ये क्या होता है इसका देखो, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन, लिविंग ओनली नॉर्मल अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, ठीक है, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। अब देखो ये क्या काम करता है, सपोज करो ये देखो बोल्ड है ना, इस बोल्ड वाले को सेलेक्ट करो और जब आप इस पे क्लिक करोगे तो जो भी इसकी फॉर्मेटिंग होगी ये हट जाएगा और ये अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगा। ओरिजिनल साइज बाय डिफॉल्ट 11 था तो ये 11 साइज में आ गया, यहां देख रहे हो ये 11 नंबर साइज में आ गया, तो ये ध्यान रखिएगा तो ये 11 साइज पे आ गया है, तो ये फॉर्मेटिंग को हटा देता है जो भी फॉर्मेटिंग होगी, ठीक। अच्छा अब यहां पे आ जाओ, ये जो है आपका फॉन्ट में ये क्या है आपका बताओ, एरो रखो सब कुछ बताता है, बोल रहा है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी, एड सम फ्लेयर योर टेक्स्ट बाय अप्लाइंग द टेक्स्ट इफेक्ट सच एज शैडो और ग्लो। अभी आपको किसी टेक्स्ट में उसके ग्लो या शैडो बनाना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। सपोज करो जैसे ये मेरा टेक्स्ट है, इसी को मुझे क्या करना है कुछ अलग कराना है, कल अलग दिखाना है, तो मैं कुछ ऐसा देख ले लेता हूं, देखो ऐसा ले लिया और इसको फॉन्ट को थोड़ा और बढ़ा दूं ताकि आप लोगों को दिख सके, ठीक है। सी को मैंने ऐसा ले लिया, उसके बाद से आपका क्या करता हूं, इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। चलो यहां पे आपको हाँ यहां पे आपको हम क्या कर रहे हैं, जैसे सी को मैंने यहां पे देखो यहां से क्या कर दिया, उसके टेक्स्ट का कलर मैंने ले लिया। अब यहां पे इसको अब यहां से देखो इसको क्या करेंगे, अगर इसमें ग्लो कराना है चाहे जो भी कराना है उस हिसाब से, जैसे यहां पे शैडो इंपैक्ट डालना है तो कौन सा आउटर शैडो या बाहर वाला शैडो, तो देखो ऐसे बाहर शैडो हो जाएगा, तो वैसे ही आपके टेक्स्ट के इफेक्ट को यहां पर चेंज किया जाता है। ग्लो कराना है तो ग्लो में आ जाओ, ऐसे देखो ग्लो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे जो भी कलर से आप कराना चाहते हो तो वो टेक्स्ट पे इफेक्ट करेगा, तो ये ग्लो के लिए हो गया, ठीक है। ये ग्लो होता है, यहां पे टेक्स्ट इफेक्ट आपका आएगा, ये क्या करने के लिए है, टेक्स्ट इफेक्ट के लिए है, टेक्स्ट में कोई इफेक्ट डालना हो तो उसके लिए। अब ये वाला क्या है, इसके लिए कौन सा है चीज है, यहां पे जब आप देखोगे तो यहां पे आप एरो ले जाओ, एरो ले जाने पे बाद आपको क्या समझ में आएगा, हाँ क्या बोल रहा है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। सपोज करो मुझे अगर यहां पे हाईलाइट करना है, ये चीज हाईलाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे जाओ
कलर जो भी चूज करना है आपको, ग्रीन से करना है ग्रीन से कर लो, रेड से करना है रेड से कर लो, ग्रे से करना है ग्रे से कर लो, तो वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाईलाइटिंग के लिए हो गया, ये चीजें समझ में आ गया। अब यहां पर जो है ये क्या है, ए बना हुआ है और बार ऐसे लगा हुआ है और यहां पे कलर है, तो ये टेक्स्ट के कलर को बताता है। क्या बताता है बच्चों? टेक्स्ट के कलर को। ये चीज हाईलाइट हो गई, ये चीज आपका टेक्स्ट टेक्स्ट इफेक्ट हो गया। तो यहां पे ये बताएगा जो आपको, अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना, जैसे ये है मुझे इसका चेंज करना है यहां से यहां तक का कलर, तो मैं यहां पे जाऊं और मुझे जो भी कलर मुझे पसंद है मैं उस कलर में कर दूं, तो देखो इतना आपका चेंज हो गया ना। तो ये आपके कलर, टेक्स्ट के कलर को, ये टेक्स्ट के कलर चेंज हो गया, टेक्स्ट कलर चेंज के लिए होता है। तो ये समझ में आ गया। अब यहां पे एक और, यहां पे देखो ऐसे एरो सा बना हुआ है, ये बताता है कि आपका अगर, और फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स, अगर आपसे पूछे कि फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स कैसे खुलता है या शॉर्टकट की क्या है, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स कैसे खुलेगा और इसका शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस डी होगा। क्या होगा बच्चों? कंट्रोल प्लस डी, देखो साफ साफ लिख के आ रहा है, अगर मैं कंट्रोल डी दबाता हूं, देखो मैं दबा रहा हूं कंट्रोल के साथ डी दबा रहा हूं, आपके सामने एक आपके बॉक्स खुल के आ गया जहां पे फॉन्ट लिखा हुआ है। यहां पर देखो, यहां पे फॉन्ट लिखा हुआ है, फॉन्ट और एडवांस लिखा हुआ है। यहां फॉन्ट का देखो, आपसे फॉन्ट चूज करने के लिए आएगा, क्या फॉन्ट आप चूज करना चाहोगे। ठीक है, पूरा फॉर्मेटिंग एक तरह से बॉडी है, मतलब आपको कंटेंट लिखना है, हेडिंग लिखना है, उसके बाद से यहां पे पूरा का पूरा फॉन्ट का स्टाइल आ गया, कौन सा फॉन्ट आप लेना चाहते हो। फॉन्ट का यहां पे देखो रेगुलर, इटैलिक या बोल्ड चूज करना चाहते हो, साइज यहां से आप चूज कर सकते हो कि क्या साइज होगा। ठीक है, वो आपका हो गया। अब यहां पे फॉन्ट कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट में देखो, तो यहां पे कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट के फॉन्ट आ जाएंगे, उसके आपके रेगुलर, उसके साइज हो जाएगा कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट वाला। फिर ऑल टेक्स्ट का, पूरे टेक्स्ट कैसे हो, उनका कलर, फॉन्ट का कलर क्या होना चाहिए सभी टेक्स्ट के, अंडरलाइन स्टाइल क्या होनी चाहिए, कैसी डबल होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, सब होना होगा यहां पर। तो देख रहे हो यहां सिंगल अंडरलाइन, डबल डॉटेड और डॉट वाली लाइन, डार्क लाइन यहां पे है, अंडरलाइन कलर क्या होगा, जो भी आप अंडरलाइन करोगे उसका कलर क्या होगा। अब देखो, ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। अब देखो यहां पे एक स्मॉल कैप है, ऑल कैप है, हिडन है, सब स्क्रिप्ट है, डबल स्ट्राइक थ्रो है, स्ट्राइक थ्रो है, अभी मैं बता रहा हूं कि स्ट्राइक थ्रो क्या होता है। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल करके भी बता रहा हूं आपको, तो ये समझ में आ गया कि इफेक्ट में ही आपका क्या आता है, स्ट्राइक थ्रो आता है, डबल स्ट्राइक थ्रो आता है, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, ये सब आते हैं। एडवांस में जब आप जाओगे तो एडवांस में आपको स्केल आ जाएगा, ये पूछता है कहां होता है करेक्टर के बीच का स्केल क्या है, उनके बीच स्पेसिंग कैसी है, एक्सपेंडेंट कंडेंस्ड, तो ये पूछता है कि करेक्टर का स्पेसिंग जो होता है वो कितने में होता है, तो दो होता है, एक एक्सपेंडेड होता है, एक कंडेंस्ड होता है, तो यहां पे आप लगा सकते हो, साइज बता सकते हो कितना पॉइंट। ठीक है, यहां पे आपको दिखाता रहता है सैंपल, देखो जो भी आप करोगे, तो ये देखो स्पेसिंग दिखा रहा है ना एक्सपेंड की, और यहां पे आप जब उसको कंडेंस करोगे उसके बाद से इसका करोगे, देखो ये देखो आगे बढ़ रहा है ऐसे नमूना वाला, अगर यहां पे ये चीज देखो, ये आपस में करेक्टर के एक एक करेक्टर कैसे सट रहे हैं, चिपक रहे हैं, और या ये आपको क्या कराता है, पोजीशन ऊपर नीचे देखो टेक्स्ट का ऊपर और नीचे, ये आपको बताता है। समझ में हो गया? हाँ, तो ये चीजें आ गई। उसके बाद से यहां पे देखो, उसके बाद यहां देखो नंबर ऑफ स्पेसिंग आ गया, कितने स्पेसिंग है, प्रोपोर्शनल, टेबुलर, स्टाइलिश, ये सब चीजें हैं, तो ये सब आपसे पूछता है कि कहां पे कौन कौन सी चीज है, तो ये कर सकते हो। अब स्ट्राइक थ्रू क्या होता है वो हम आपको बता रहे हैं कि यहां पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, फॉन्ट में लिखा है स्ट्राइक थ्रू, देखो एबीसी लिखा हुआ है यहां पर, एबीसी लिखा हुआ और ऐसे कटा हुआ है, तो इसका क्या है,
बोल इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये यहां पे जब कर रहे हो तो इस आपको एक वो आ रहा है। हाँ ठीक है, जैसे मैंने टेक्स्ट को वो किया, जैसे मैंने टेक्स्ट को यहां पे किया क्रॉस समथिंग आउट बाय ड्रॉइंग ए लाइन थ्रू इट, किसी को बाय ड्रॉइंग लाइन थ्रो करना है तो वही स्ट्राइक थ्रो होता है। जैसे मान लो मुझे इसको स्ट्राइक थ्रो करना है तो यहां पे मैंने किया, ये कट हो गया। ठीक है, ऐसे कोई लाइन आपको अगर कट करनी है बाद में हटाने के लिए तो वो उस टाइम आप क्या कर सकते हो, उसको स्ट्राइक थ्रो कर सकते हो। तो ये स्ट्राइक थ्रो के लिए है, ठीक है, ये स्ट्राइक थ्रो के लिए है। अच्छा देखो, तो स्ट्राइक थ्रो पे ठीक है, डबल स्ट्राइक थ्रो में देखो दो दो आ जाएंगे, दो दो लाइनें आपकी आ जाएंगी तो वो डबल स्ट्राइक थ्रो हो जाएगा, दो दो लाइनें आ जाएंगी तो डबल स्ट्राइक थ्रो हो जाएगा, इसी को डबल स्ट्राइक थ्रो बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। आओ, ये सब हो गया, सब ये चीज। अब यहां पे देखो ये क्या है, सब स्क्रिप्ट है। यहां पे लिखा है एक्स, ऐसे लिखा है, और यहां नीचे बेस बनाया है, तो जब नीचे कोई चीज लिखा जाता है तो उसको बोला जाता है सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट लिखा जाता है। अब जैसे मैं यहां पे लिखूं किसी को भी बेस बना दूं, चलो मैं यहां से अगली लाइन से मैं कुछ लिख रहा हूं, अच्छा 1175, ठीक है, हाँ यहां पे मैं अगर एक्स लिखता हूं, सपोज करो मैंने एक्स लिखा, अब वो एक्स कहां गया, इतना बड़ा साइज है ये। अभी यहां पे साइज जो है ये बड़ा दिखा रहा है, ठीक। अभी अगर मैं यहां पे कुछ भी लिखता हूं, सपोज करो कि मैं यहां पे एक्स लिखता हूं, एक्स लिखा हूं वहां पर, और अगर इस पे एक्स लिख दिया और यहां पर मैंने टू लिख दिया, तो X2 लिख दिया, तो अगर मुझे सबस्क्रिप्ट बनाना होगा तो इसको चूज करेंगे, इसको सबस्क्रिप्ट बनाना है ना, और इस पे जाके क्लिक कर देंगे, तो देखो नीचे आ गया ये नीचे आ गया, और इसको अगर हम हटाना होगा तो ये ऐसे हट जाएगा, ठीक है, और सुपर स्क्रिप्ट बनाना होगा तो इस पे आएगा, सुपर स्क्रिप्ट पे तो ऊपर पावर चढ़ जाएगी, तो ऊपर पावर चढ़ जाएगी, इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ओवरऑल अगर इसका सबसे क्वेश्चन जो पूछता है वो शॉर्टकट की से पूछता है आपका, किससे पूछता है, शॉर्टकट की से पूछता है। चलो क्वेश्चन जो पूछता है आपका शॉर्टकट की से पूछता है, तो यहां पे जब हम एरो लेके जा रहे हैं तो क्या बोल रहा है आपसे, कंट्रोल प्लस इक्वल टू से जो होगा वो आपका सबस्क्रिप्ट होगा, ये क्वेश्चन भी आता है, और कंट्रोल प्लस प्लस से क्या होगा, देखो कंट्रोल प्लस कंट्रोल शिफ्ट प्लस से, कंट्रोल शिफ्ट प्लस से क्या होगा, सुपर स्क्रिप्ट होगा। तो कोई भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपको सब कुछ पता चल जा रहा है। अरे हाँ ना, मैं आंसर तो दो कहे कम हो गए सबके सब, समझ में नहीं आ रहा है क्या। तो ये चीजें हो गई। हाँ अब ये है अंडरलाइन, देखो अंडरलाइन में आए तो यहां पे देखो कई अंडरलाइन है, ये है ये है ये है, किसी को भी अगर अंडरलाइन करना है, सपोज करो इसको अंडरलाइन करना है, डबल अंडरलाइन करना है, तो आप कैसे करोगे। हाँ अंडरलाइन, मोर अंडरलाइन करना है तो यहां पे आ रहा है ना, आपको डबल करना है, ट्रिपल करना है, जो भी करना है, तो आप यहां से अंडरलाइन स्टाइल कर सकते हो। अंडरलाइन की स्टाइल क्या है, जो भी आप डबल करना चाहते हो तो डबल कर लो, डबल करने के बाद यहां ओके कर लो, तो देखो यहां डबल अंडरलाइन आ रहा है, डबल लाइन अंडरलाइन के स्टाइल आ रही है। तो अंडरलाइन का यहां पे आपका क्या हो जाएगा, कंट्रोल यू, कंट्रोल यू से आपका अंडरलाइन आता है। अच्छा डबल अंडरलाइन कैसे होगा टेक्स्ट में,
डबल अंडरलाइन कैसे होगा? बताओ, डबल अंडरलाइन कैसे होगा? देखो, कंट्रोल डी से अंडरलाइन होता है और कंट्रोल शिफ्ट डी दबाओगे, सॉरी कंट्रोल यू से आपका क्या होता है, अंडरलाइन होता है। अब कंट्रोल शिफ्ट डी सपोज करो कहां गया, ये है आपका, इसको मैंने चूज किया, मैं अब दबा रहा हूं इसमें कंट्रोल शिफ्ट डी। देखो कंट्रोल शिफ्ट डी दबाते ही है डबल अंडरलाइन हो गया। कंट्रोल शिफ्ट दबाते किससे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट यू मस्ट कह देना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, यहां ये क्वेश्चन भी पूछा है, इससे आपका डबल अंडरलाइन होता है, डबल अंडरलाइन होता है। समझ में आ गई बात? तो ये चीजें मैंने एक कमांड ग्रुप आपको बता दिया, ठीक है, यू नहीं कंट्रोल शिफ्ट डी होगा, यू नहीं, यही गलती करोगे, करके देख लिया करो, वो ज्यादा समझ में आ जाएगा। उसके बाद से आपका यहां इटैलिक है, आपका इटैलिक हो जाएगा, इससे बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल आई से इटैलिक सब जानते हो, कंट्रोल आई से इटैलिक हो जाएगा आपका, और कंट्रोल किससे, कंट्रोल बी से आपका बोल्ड हो जाएगा, ठीक, कंट्रोल बी से बोल्ड। लिखते जाना, इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, नोट आपको नोट्स में दूंगा नोट्स, क्योंकि यहां देख ही रहे हो इरेज हो जा रहा है बार बार। चलो, तो एक कमांड ग्रुप आपका फिनिश हो गया, अब पैराग्राफ बचा है, स्टाइल बचा है और एडिटिंग वाला बचा, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसमें ही ज्यादा आपसे पूछता है क्वेश्चन, इससे 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 और इससे, पैराग्राफ से, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब पैराग्राफ से पहले हम थोड़ा सा इसके डॉक्यूमेंट व्यू में आ जाते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। हाँ देखो, अभी क्या है, ये सब मैं हटा दे रहा हूं आपको, समझ में आ रहा है ना, तो बताते रहो नहीं तो फिर हमें क्या पता चलेगा। अभी यहां पे देखो, जब ये स्क्रीन आपकी खुली है आपके पास, अब स्क्रीन पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो, हाँ यहां पे देखो कि यहां आपको ये पूरा का पूरा जो है ये आपका, जब भी आपको पूछे कि यहां जब कुछ भी नहीं होता है तो यही आपका क्या है, कर्सर दिखाता है, ये क्या दिखाता है आपको, कर्सर दिखाता है, यहां जो आपको ब्लिंक कर रहा है वो कर्सर होता है, उसी को क्या कहते हैं, कर्सर होता है, बताता है आप कहां पे हो। नीचे जो होता है, यहां देखो ये जो होता है नीचे, इसको क्या कहा जाता है, हाँ द करेंट पेज नंबर इन द डॉक्यूमेंट, करेंट पेज कौन सा चल रहा है, यहां पे आपको ये स्टेटस बार है, इसको क्या बोलते हैं, स्टेटस बार बोलते हैं, क्या स्टेटस चल रहा है आपका, वो सब दिखाता है। यहां पे आपको दिखाता है कि कितने वर्ड हैं, कितने सेंटेंस हैं, पेज वर्ड करेक्टर कितने हैं, करेक्टर विथ स्पेस कितने हैं, करेक्टर विथ नो स्पेस वाले कितने हैं, पैराग्राफ कितना है, लाइन कितना है, ये सब आपको यहां पर बताएगा क्लिक करोगे तो, ठीक। उसके बाद से यहां देखो ये चीज क्या है, यहां पे आपको एरर के लिए बताएगा कि आपको कहां एरर है, स्पेलिंग एरर जो भी चीजें होंगी वो सब चीजें बताएगा, यहां आपको लैंग्वेज बताता है। इधर चले आओगे तो यहां पर आपको व्यू बताएगा, ये व्यू कौन सा है आपका, रीड मोड है, ये कैसा मोड है आपका, रीड मोड है, यहां पे ये जो दिया गया है वो रीड मोड है। ये वाला मोड क्या है, इस वाले मोड पे जाओगे तो यहां आपको बताता है ये प्रिंट लेआउट है, क्या है ये, प्रिंट लेआउट है, और यहां पे आप जाओगे तो यहां पे जो लेआउट होता है
इसको वेब लेआउट बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वेब लेआउट बोलेंगे। ये आपका क्या होता है, वेब लेआउट होता है, ठीक। तो ये आपके तीन लेआउट होते हैं यहां पर, और भी व्यू के फॉर्मेट होते हैं। अब यहां पर देखो, जूम जो है आपसे पूछेगा बाय डिफॉल्ट जूम कितना होता है, बाय डिफॉल्ट जूम क्या होता है, तो बाय डिफॉल्ट जो जूम होता है वो 100% होता है। मिनिमम जूम कितना होगा, तो मिनिमम जूम आप कह सकते हो कितना होगा, मिनिमम करके देख लो, अगर इस एरो को हम इधर माइनस की तरफ ले आएंगे तो मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम कितना जा रहा है आपका, 10% जा रहा है, मिनिमम आपका 10% जा रहा है। मैक्सिमम जूम आपको अगर कराना हो तो मैक्सिमम जूम आपका कितना जा रहा है, 500% जा रहा है। कितना जा रहा है बच्चों, मैक्सिमम जूम आपका 500% जा रहा है। तो ये आपके क्वेश्चन भी बनते हैं, तो मैक्सिमम और मिनिमम जूम भी आपको पता चल गया यहां से। ठीक, चलो समझ में आ गई इतनी बात। चलो तो ये मैक्सिमम और मिनिमम जूम हो गया, ये सब चीजें यहां से आपको वर्ड पता चल जाएगा। ये स्टेटस बार है, ये क्या है आपका, स्टेटस बार है। हाँ, रीड मोड में आ जाते हैं हम लोग। अब आ जाओ यहां पे, अब अगर बात करें हम थोड़ा यहां पे, रूलर भी होते हैं, जैसे अभी रूलर पे हम टिक कर देंगे तो देखो कई कई पे रूलर पूछता है। तो यहां पे देखो ऊपर एक ये रूलर बन के आ गया स्केल टाइप का, इसी को क्या बोलते हैं, ये कैसे है, ये आपका हॉरिजॉन्टल रूलर है, हॉरिजॉन्टल रूलर है, ठीक है। और इधर जो है आपका वो वर्टिकल रूलर है, ठीक है, वर्टिकल। और यहां पे अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या है, स्क्रॉल बार है, ये आपका स्क्रॉल बार है। और ऐसे ही इस साइड भी होता है, जब आप ज्यादा जूम कर दोगे तो स्क्रॉल बार अपने आप आ जाएगा, देखो आ गया ना, जब ज्यादा जूम हो जाता है तो यहां भी स्क्रॉल बार आ जाता है। तो ये भी स्क्रॉल बार है, यहां पे भी जो स्क्रॉल है उसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। और यहां पे जो है इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। तो ये चीजें हैं, टाइम टेकिंग है ऐसे पढ़ाना, क्यों स्क्रीनशॉट से ही आप सोच रहे हैं आगे आपसे लोगों को करें, नहीं तो बहुत कम ही चला पाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लेके मैं पहले से ही तैयार कर लूंगा ताकि वो चीजें आपको पता चल जाए, बाकी आप लोग करते रहना, मैं इन सब चीजों का पहले से स्क्रीनशॉट लेके पीपीटी बना लूंगा और मॉनिटर रखा रहूंगा, जहां नहीं समझ में आएगा वो समझा दूंगा आपको। हाँ, ये चीजें हो गई। अभी यहां पे देख रहे हो ये चीज जो है, यहां ये मैंने कहा क्या है, रूलर है, स्केल है, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल स्केल है, ये आपका वर्टिकल रूलर बोल सकते हो और वो हॉरिजॉन्टल रूलर है। इन रूलर का काम क्या होता है बच्चों, तो इन रूलर का काम ये है, सपोज करो ये है, आपको इसको यहां से नहीं यहां से करना है, एकदम यहां से जहां से पेज स्टार्ट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको शिफ्ट कर सकते हो आप। तो रूलर का काम ये है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस वाले रूलर का काम क्या है कि इस वाले रूलर का काम देखो, ऐसे ही आपके यहां पे देखो टॉप और लेफ्ट
मार्जिन आ जाता है, ये सब चीजें आ जाती है, अभी उसके बारे में आएंगे जब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो ये आपका रूलर जो है ऊपर नीचे करने के लिए, सपोज करो ये है, तो इसको ऊपर नीचे करने के लिए कि कहां ऊपर नीचे करेंगे इन सब चीजों को, उसके लिए ये वाला रूलर यूज किया जाता है। हम एक ही रूलर इंस्टॉल किए हैं क्या रिव्यू? ठीक है, तो ये इससे देखो आप ये इससे क्या कर सकते हो, कोई चीजें है तो इसको इससे सेट कर सकते हो, कहां जाना है, कहां क्या करना है, ये सब चीजें इससे सेट हो सकती है। और यहां पे देखो ऊपर नीचे हो सकती है, इससे मैंने कहा ना, इससे आप ऊपर नीचे कर सकते हो स्केल से, और उससे आप क्या कर सकते हो आगे पीछे कर सकते हो ऐसे। तो ये एक आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रूलर का काम करता है। समझ में आ गया मेरी बात को, आप समझ गए? चलो ठीक, ये समझ में आ गया रूलर का काम क्या होता है। अच्छा, तो अभी हम लोग होम टैब पे थे ना, पहले होम टैब को पढ़ रहे हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। अब अगले अगर हम कमांड ग्रुप पे चलें, तो अगला हमारा कमांड ग्रुप है पैराग्राफ का। अगला हमारा जो कमांड ग्रुप है पैराग्राफ का, तो पैराग्राफ में अगर बुलेट आपको लेना हो, सपोज करो कुछ चीज बुलेट में हमें सेट करना है, यहां देखो हाँ, अगर मुझे कुछ बुलेट में करना है, इसको मान लो बुलेट में करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको चूज करेंगे, यहां देखोगे तो यहां बुलेट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहां जाओ बुलेट कोई भी ले सकते हो, ऐसा ले सकते हो, ऐसा ले सकते हो, ऐसा ले सकते हो, ये इस प्रकार के बुलेट ले सकते हो। बाकी आप नया भी डिफाइन कर सकते हो, यहां से आप अपना नया भी कोई सिंबल ले सकते हो, कोई पिक्चर लगा दो, कोई फॉन्ट लगा दो, अपना नया भी बना सकते हो यहां से जाने के बाद। तो ये बुलेट के लिए होता है, ये आपका बुलेट के लिए होता है क्रिएट बुलेट। यहां पे आपको नंबर बोला है ना, नंबरिंग कर सकते हो इसकी, नंबरिंग जैसे अल्फाबेट में कर दो, एबीसीडी के फॉर्म में, 1 2 ख ग घ, ऑप्शन जो क्वेश्चंस के सेट होते हैं ऐसे, चाहे और भी आप डिफाइन फॉर्मेट बना सकते हो अपना, कि कोई आपको फॉर्मेट अच्छा लग रहा है उस हिसाब से फॉर्मेट भी आप बना सकते हो। तो ये नंबरिंग के लिए होता है। यहां देखो मल्टी लेवल लिस्ट होता है, ये क्या लिखा है, मल्टी लेवल लिस्ट, इसको बोलते हैं आपको मल्टी लेवल लिस्ट, इसको क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सपोज करो ये चीजें हैं, अभी हमें मल्टी लेवल लिस्ट में जाना है, तो ये मल्टी लेवल लिस्ट अगर मैं ऐसे करूं, एक के अंदर ये ऐसे करूं, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अगर आपको करना है तो इसमें आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उस हिसाब से सेट करना पड़ेगा जहां मल्टी लेवल बनाना हो। जैसे आपने किया, इसको क्या करो, थोड़ा और स्पेस लेके इसके अंदर दिखाओ, तो जब आप इन दोनों को सेलेक्ट करोगे ऐसे और मल्टी लेवल करोगे, तो यहां पे देखो आप ये वाला फॉर्मेट लिए, तो ये वन हो गया, ये वन का अंदर ए हो गया, ऐसे ही बी आ गया। जैसे इसको भी अगर करना है हमें, तो देखना ये भी क्या हो जाएगा, अभी बी हो जाएगा। ठीक, अभी अगर मुझे इसे मल्टी लेवल बनाना है, तो अब इस पर क्लिक करेंगे और हमारा यही चल रहा है इफ फॉर्मेट में, तो ये इसके अंदर, ये अब इसका पार्ट हो गया, ये अब ए का एक पार्ट हो गया, तो ये मल्टी लेवल लिस्ट बनना चालू हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने कोई चीज लिखा, उसके अंदर कोई चीज लिख लिया,
दो तीन पॉइंट, फिर इसके अंदर मुझे चाहिए तो वो भी लिख सकते हो, तो ये मल्टी लेवल लिस्ट हो गया, ऐसे होता है। ठीक, तो ये समझ में आ गया। उसके बाद से ये क्या है, इंडेंट है। इंडेंट मतलब क्या हो गया, देखो हाँ, अभी इंडेंट का मतलब क्या हो गया, ये बोल रहा है यहां पे जब आप क्लिक कर रहे हो तो बोल रहा है डिक्रीज इंडेंट, मूव योर पैराग्राफ क्लोजर टू द मार्जिन, ये मार्जिन के क्लोजर बताता है। अगर मैंने यहां पे क्लिक किया और यहां पे मैंने इंडेंट कर रहा हूं, ये वाला डिक्रीज कर रहा हूं, देखो डिक्रीज आपका उधर जा रहा है, मूव उधर हो रहा है। अगर इंक्रीज कर रहा हूं तो आपका ऐसे इधर की साइड भागेगा, इंक्रीज कर रहा हूं तो उधर की साइड लेफ्ट इंडेंट होगा, और डिक्रीज कर रहा हूं तो इधर की तरफ आएगा। ठीक है, मार्जिन पे आएगा, जो पेज का मार्जिन होता है वहां से। उसके बाद से जैसे यहां पे इंक्रीज पे करोगे तो इंक्रीज मतलब आपका पैराग्राफ पूरा का पूरा पैराग्राफ इधर शिफ्ट होता चला जाएगा, और इधर शिफ्ट करोगे तो आपका इधर शिफ्ट होता चला आएगा एक मार्जिन पे। उसके बाद से इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है, इंडेंट हो गया ये। हाँ, अब उसके बाद से आओ यहां पे जो है ये आपका पैराग्राफ का क्या है, जस्टिफाई है। थोड़ा सा इसको मैं ठीक, मैं कोई एक डॉक्यूमेंट से इसमें कुछ पेस्ट करता हूं पहले। अब सपोज करो ये कोई कंटेंट है, यहां पे आ जाओ। अब ये कोई कंटेंट है, ये कोई कंटेंट है। अब इस कंटेंट पे अगर मुझे क्या करना है, अगर मैं यहां पे देखूं ये पैराग्राफ है, एक मान लो मैं इसको एक पैराग्राफ मान लो, इस पैराग्राफ को मुझे ये आपका क्या है, अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट मतलब पैराग्राफ किधर की तरफ शिफ्ट है आपका, तो अभी हमारा कौन सा है, लेफ्ट शिफ्ट है। इसको यहां पे करोगे तो ये सेंट्रल में शिफ्ट हो जाएगा, इसको यहां पे करोगे तो ये आपका राइट में शिफ्ट हो जाएगा, और इस पे करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, बीचों बीच पूरा आपका जस्टिफाई हो जाएगा, जैसे पूरा यहां से जैसे शुरू होगा वैसे ही होगा। तो जस्टिफाई में करोगे तो ये पूरा आपका ऐसे सेलेक्ट किए, इसको जस्टिफाई कर दिए, देखो तो ये जस्टिफाई हो गया। लेफ्ट में किए तो ऐसे ही है, राइट मिडिल में किए तो ये हो गया, लेफ्ट में ये हो गया, और जस्टिफाई किए तो आपको ऐसा दिखेगा। ठीक, तो आपको अलाइनमेंट, इसी को क्या बोला जाता है, अलाइनमेंट बोला जाता है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट। मैक्सिमम पूछता है लेफ्ट अलाइन किससे होता है, तो कंट्रोल आर से होता है। कोई भी पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन करना है तब लेफ्ट अलाइन मतलब एल, कंट्रोल एल से। राइट अलाइनमेंट करना है तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल आर से होगा। और उसके बाद सेंट्रल अलाइन, सेंट्रल अलाइन करना है तो कंट्रोल ई से होगा, ना कि सी से होगा। ठीक है, देखो यहां पे जब लेके जाओगे कर्सर तो खुद ही बताता है सेंट्रल लाइन, कंट्रोल ई से होगा। और आपका जो जस्टिफाई होता है वो अलाइनमेंट किससे होता है, कंट्रोल प्लस जे से होता है। ठीक है, तो ये आपके टेक्स्ट के अलाइनमेंट होते हैं पैराग्राफ में, ये देखिए। ठीक, अब आते हैं अगले सीक्वेंस में। अब ये जो है आपका वो क्या है कि ये आपके स्पेस है, लाइन की स्पेसिंग है, वन बाय डिफॉल्ट होता है, उसके बाद से आपकी लगी रहती है। जैसे मान लो ये चूज मैंने किया, इसके बीच की अगर मुझे लाइन स्पेसिंग बढ़ानी है, ठीक है, तो लाइन स्पेस बढ़ाओ, ये बढ़ गया, दो बढ़ाए तो और बढ़ गया, ये बढ़ाए तो और बढ़ गया, तो ऐसे ही और आप बढ़ा सकते हो। तो ये लाइन के बीच की स्पेसिंग होती है, बाय डिफॉल्ट इसमें वन होती है। समझ में आ गया इतनी बात। यहां पे देखो ये जो चीज है ये क्या है, आपका कलर है, और कलर किसका है, बोला शेडिंग है। इसको क्या बोलते हैं, शेडिंग। पेज में अभी इस बार ही आया था, लोग समझ नहीं पा रहे थे शेडिंग क्या होता है। आपके यूपीपीसीएल में आया था ना शेडिंग क्या होता है, तो शेडिंग का मतलब चेंज द टेक्स्ट कलर बिहाइंड द सेलेक्टेड टेक्स्ट पैराग्राफ और टेबल और सेल। ठीक है, आपको पीछे का कलर, कोई भी अगर मान लो अगर इसके पीछे का कलर आपको चेंज करना है
तो वो कहां से चेंज होगा, यहां से चेंज होगा। किसी भी अगर पूरे पेज का, पूरे टेक्स्ट का है, किसी टेबल का साफ साफ यहां लिखता तो है, आप पढ़ो, आपको किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं, आप थोड़ा सा भी आप प्रैक्टिकल अप्रोच लिखते हो, चेंज द कलर बिहाइंड द सेलेक्टेड टेक्स्ट, किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट का, किसी पैराग्राफ का या टेबल का या सेल का, किसी का भी आप